आप देख सकते हो नीलकंठेश्वरी ऑरेंज और ये बस भुवनेश्वर से मलकनगिरी होते हुए यहाँ पे भाया आंध्रा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका फ्रंट व्यू आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। आपको जो व्यू मिल रही है दोस्तों, पूरे वोल्वो जैसे व्यू यहाँ पे मिल रही है। ऊपर में टफन ग्लास मिल जाती है, उसके बाद इमरजेंसी विंडो मिल जाती है दोस्तों, उसके बाद ऑफिशियल यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिल जाएगी और दोनों साइड में बैकलाइट देखिए। और रात को ये बैकलाइट काफ़ी मस्त लगेगी क्योंकि एलईडी में है और एलईडी में बैकलाइट काफ़ी अच्छी लगती है। बस दोस्तों यहाँ पे 9600 वाली है, जैसा वोल्वो में होती है वैसे इसमें भी है। और ये देखिए कुछ नज़ारा, यहाँ पे ऑरेंज बस है तो यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ आपको मिल। ये साइड अभी ड्राइवर का केबिन है और इस केबिन में देखिए कुछ इस तरह से और स्टेयरिंग मिलती है यहाँ पे। आप अंदर आने के बाद दोस्तों पायलट केबिन में वहाँ पे मेडिकल किट मिल जा रही है। उसके बाद उस साइड में देखिए सीट और स्लीपर का नंबर वहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों बड़ी सी एलईडी लगा हुआ है और सीसी कैमरा लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एंटर करता है कौन कोई बैग लेके आता है, कोई लेके नहीं आता है, क्या लेके आए, तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होती रहती है। वाईफाई का सुविधा है और एक फैन दिया गया है, फिर उसके बाद स्पीकर काफ़ी बढ़िया, उसके बाद वहाँ पे भी एक ग्लास ब्रेकर और वहाँ पे फायर के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्राइव, यहाँ पे पायलट का जो केबिन है यहाँ पे देखिए, असली यहाँ पे जो कंट्रोल करते हैं उसको देखिएगा, ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अलग अलग तरह का स्विचेस, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले जो पीछे का भी सब कुछ यहाँ पे शो करेगा दिखेगा। और इस साइड में यहाँ पे एक डिजिटल वॉच मिल जाती है, जैसे ही बस के अंदर एंटर करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे पायलट के जो केबिन है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस बस के अंदर में आने के बाद देखिए काफ़ी मस्त है और इसमें आपको लोअर स्लीपर भी मिल जाती है, उसके बाद सीट भी मिल जाती है। टू व यहाँ पे डबल सीट है, उसके बाद एक साइड में यहाँ पे लोअर स्लीपर है, ये काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद अपर स्लीपर भी आपको इसमें मिल जाती है, जो आपको नज़दीक से बढ़िया से इसको दिखाने वाला हूँ। इस बस के सीट को देखिए, कम्फर्ट वाली सीट है, काफ़ी बढ़िया है, चौड़ा है। उसके साथ साथ इस सीट में आपको यहाँ पे बेल्ट भी मिल जाती है, हर एक वो सीट में आपको बेल्ट मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेल्ट दिया गया है, उसके बाद बोतल रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है अलग अलग पैसेंजर के लिए, उसके बाद आपका मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है। और यहाँ पे हैंडरेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाएगी, मैगजीन होल्डर मिल जाएगी, यहाँ पे बोतल रखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पे पकड़ने के लिए और यहाँ पे हैंग करने के लिए दिया गया है। काफ़ी फ्रंट व्यू भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे आप देखिए। और आपको इस साइड में भी यहाँ पे इस तरह का मैट बिछा हुआ आपको मिल जाएगी, जो काफ़ी मस्त लग रहा है। अब मैं इस सीट में बैठ चुका हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसको पुश करके देखता हूँ ये कितनी बैक हो रही है। यहाँ पे देखिए पुश करने से देखिए कितना बढ़िया से पूरा आराम से इसमें पूरे इतना स्पेस आपको मिल रही है। यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पे मिल रही है और बढ़िया से इसमें आप मोटा से मोटा आदमी बढ़िया से इसमें सफ़र कर सकते हो, क्योंकि ये इस बस की जो स्पेस है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें आपको आपको मिल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप मलकनगिरी जो पहुँचोगे आराम से सफ़र करके पहुँचोगे। यहाँ पर सीट का नंबर मिलती है दोस्तों,
आपको सीट के वहीं पे तो यूएसबी पॉइंट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे भी मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे भी यूएसबी पॉइंट दिया गया है, और इस साइड में एसी वेंट दिया गया है, और यहाँ पे लाइट दिया गया है, ठीक है। और नज़ारा कुछ देखिए कुछ इस तरह से। ये स्विच है दोस्तों, अगर आप एक नंबर दो नंबर किसी भी नंबर में सीट में आप बैठे हैं, आपको उतरना है तो यहाँ पे आप इसको प्रेस कर सकते हो, तो वहाँ पे सायरन बजेगा। ड्राइवर केबिन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट जल जाएगी, कितना नंबर सीट प्रेस किया है, कितना नंबर सीट ने मतलब स्टॉप करने के लिए प्रेस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी दो नंबर को प्रेस किया गया है, और आवाज़ भी हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट भी जल रही है। ये अब मैं दिखा रहा हूँ लोअर स्लीपर, और लोअर स्लीपर में आप देखिए इस साइड में एक स्क्रीन मिल जा रही है, उसके बाद इस साइड में स्क्रीन, दोनों स्क्रीन को आप आराम से लगा सकते हो, उसके बाद उस साइड में भी स्क्रीन, और यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए होल्डर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एसी वेंट दिया गया है, और वो सारा मोबाइल चार्ज करने का कनेक्शन सारा सेटअप दिया गया है। उसके बाद इस साइड देखिएगा लोअर स्लीपर में आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, यहाँ पे स्टैंड मिल जाएगी। इस बस में दोस्तों आपको यहाँ पे पावर विंडो मिल जाती है, और यहाँ पे जो बटन है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बटन है, इसको पुश करने से ये आप देख सकते हो यहाँ पे शीशा नीचे हो रही है, एक ही क्लिक में यहाँ पे देख सकते हैं ये शीशा कुछ इस तरह से नीचे हो जाएगी, और इसको आप ऊपर भी कर सकते हो, वहाँ पे जो बटन है उसको उसी बटन का यूज करके वहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्लास ब्रेकर भी मिल जा रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और इस साइड में दोनों साइड में कटन मिलेगी, और इसको लगा के बढ़िया से आराम से सो के जा सकते हो। जिनको अपर स्लीपर अच्छा नहीं लगता है तो वो लोअर ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए लोअर स्लीपर काफ़ी बढ़िया, ऐसा नहीं है कि पूरे नीचे में है, लेकिन यहाँ पे ठीक बढ़िया जैसा। यहाँ पे देखिए ग्लास का वर्क हुआ है, काफ़ी बढ़िया काम हुआ है यहाँ पे देखिए, और इसमें शाइनिंग आ रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ उभर के लाइट आ रही है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इसमें जो आपको स्क्रीन मिल जा रही है यहाँ पे येलो में, इस बस में काफ़ी बढ़िया लग रही है। स्लीपर की नंबर आपको यहाँ पर मिलेगी ऊपर में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और वहाँ पर ऑरेंज स्लीपर यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगी। बस के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक सीसी कैमरा दिया गया है, आप देख सकते हो ये सारा सेटअप यहाँ पे है। उसके बाद ये वेंटिलेटर आपको पता ही है, और ऊपर का डिज़ाइन को देखिए, ये ऊपर का डिज़ाइन भी आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। और लाइट जलती है, अभी तो मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, रात में और थोड़ा उभर के आएगी, तो दिन में भी काफ़ी अच्छी तो लग रही है, लेकिन रात में और थोड़ी मस्त लगेगी इसका लाइटिंग सेटअप की वजह से, और थोड़ा उभर के आएगा तो और अच्छा लगेगा। आखिरी में एक वेंटिलेटर मिल जा रही है, उसके बाद आपको दिखा दूं यहाँ पे एक इमरजेंसी विंडो मिल रही है, उसके बाद इस साइड में इमरजेंसी यहाँ पे डोर मिल रही है। आप देखिए दोस्तों अपर स्लीपर को, और अपर स्लीपर यहाँ पे डबल वाली यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल वाली भी है और डबल वाली है, और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इसका स्लीपर की चौड़ाई को देख लीजिएगा, और चौड़ाई कुछ इतना मिलेगी, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको अच्छा से यहाँ पे सजा हुआ आपको मिल जाएगी, दो अलग अलग पैसेंजर है तो वहाँ पे मतलब विभाजित करने के लिए आप देख सकते हो ये कटन दिया गया है, दोनों कटन को लगा सकते हैं, सटा सकते हैं, एक दूसरे का कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से बढ़िया से सो के जा सकते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन को देखिए, ऊपर का डिज़ाइन यहाँ पे देखिए, आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, और इस सारे स्लीपर में आपको यहाँ पे पिलो ब्लैंकेट ये सब कुछ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, घर से कैरी करने का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे ये बस में आपको सारा वो फैसिलिटीज़ मिल जा रही है। अभी अपर का सिंगल स्लीपर को दिखा रहा हूँ, और सिंगल स्लीपर में भी देख सकते हो पिलो वहाँ पर रखा हुआ है, उसके बाद ब्लैंकेट भी है, और कुछ इस तरह से स्पेस के मामले में काफ़ी बढ़िया है।
यहाँ पे आप बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और सारा फैसिलिटीज जो मोबाइल चार्ज करने से लेके सारा फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, पावर विंडो भी आपको मिल जाती है। इस बस में आखिरी में भी लोअर स्लीपर मिलती है, लेकिन मैं आपको इसमें नहीं दिखाया हूँ लोअर स्लीपर को, क्योंकि जैसा आपको डबल स्लीपर मिलती है अपर वाली उसको मैं दिखाऊँ, वैसे यह भी लोअर स्लीपर भी काफ़ी चौड़ी है। तो फ्रेंड्स, इस बस के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, और यहाँ पे बस तो काफ़ी बढ़िया है, आप इसमें स्लीपर या तो सीट ले सकते हो, सीट भी काफ़ी चौड़ी चौड़ी सीट है, इसमें आप जितना भी मोटा हो तो आराम से बैठ सकते हो, अगर एक्सेस मोटा तो फिर नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे जो बढ़िया है एक नॉर्मल आदमी के लिए काफ़ी मस्त है, बढ़िया चौड़ा चौड़ा सीट मिल जा रही है, इसका मोबाइल चार्ज करने के लिए कनेक्शन दो दो जगह मिल रही है ऊपर में, और यहाँ पे सीट के वहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ साथ हर एक सीट में आपको सीट बेल्ट मिल जा रही है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। जैसा बुलबो में मिलती है सीट बेल्ट है, वैसे इसमें भी आपको सीट बेल्ट मिल जाती है। बोतल रखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जा रही है आपके सामने में, काफ़ी बढ़िया है, इसको पकड़ के मतलब यहाँ पे अपना बोतल रख सकते हो, तुरंत पी के यहीं पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें जितने भी स्लीपर मिल रही है, सारे स्लीपर में यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है, यानी कि कटर मिल जाती है सारे स्लीपर में, और सिंगल और डुअल स्लीपर इसमें आपको मिल जाती है। अगर अपर और नीचे का भी है तो अपर और लोअर दोनों ले सकते हो, आप इसमें आपको कंफर्ट लगे उसी को आप ले सकते हो। इसमें फैसिलिटीज की बहुत सारी है, आपको बहुत सारी मिल जाती है, और सेफ्टी के लिए यहाँ पे सीसी कैमरा से लेके और भी यहाँ पे गाड़ी का सेफ्टी भी अलग से है, ये सारा कुछ इसमें आपको मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों, इस बस की जो टाइमिंग है, यहाँ से भुवनेश्वर से 7:30 बजे यहाँ से खुलती है दोस्तों, और 8:30 बजे वहाँ पे पहुँचती है। तो ये बस डेली सर्विस है, और ये डेली हर दिन आपको मिल जाएगी बस यहाँ बरमुंडा बस स्टैंड में। इस बस में आप सफ़र कीजिए, इस बस का जो बुकिंग नंबर है दोस्तों आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, उस बुकिंग नंबर से आप इसमें बुकिंग कर सकते हो और इसमें आप सफ़र कर सकते हो। ये बस दोस्तों भुवनेश्वर से निकल के बेरमपुर होते हुए वो आंध्रा रोड में चली जाती है। तो दोस्तों, ये बस को तो मैं पूरा दिखा चुका हूँ, और इसका प्राइस कितना है वो नहीं बताने के लिए बोला, इसलिए आपको प्राइस नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया बस है, आप इसमें सफ़र कीजिएगा। आज का ब्लॉग को एंड करते हैं, कुछ भी सवाल है, कुछ भी जानकारी और चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताइएगा, उस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से रहिए, ओके, बाय बाय।